गुड इवनिंग बच्चों बेटा आवाज आ रही है वेरी गुड इवनिंग बेटा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा आप जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं वेरी गुड इवनिंग बेटा धीरज प्रजापति पाल सिप्टैन मंसूरी अखिलेश कुमार या डॉक्टर यादव जी एस्ट्रोफाइल जल्दी जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाएं जल्दी जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाएं और हम लोग आज करने वाले हैं हॉटस्पॉट स्पॉट फाइट्स पर और आपको पता है कि ये वाला टॉपिक छोटा सा एक पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लोग कनेक्ट हो जाए बहुत जल्दी से थैंक यू सो मच बेटा वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बेटा <coughs> सारे लोग कनेक्ट हो जाएँ और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक नाम है टेरडोफाइट्स और आपको पता है कि किसी भी सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे डॉक्टर डायरेक्टर सर डॉक्टर एस पी सिंह के उस मुहिम के तहत जिसमें कहना है कि डॉक्टर बनने का अधिकार सबको और पढ़ने का अधिकार भी सबको इसके तहत हम लोग जो है ना आपको लेकर आए हैं आज टेरिडोफाइट्स का हॉट स्पॉट ठीक है और आज इसमें हम लोग क्या डील करने वाले हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा कि टेरिडोफाइट्स में कुछ लाइन लाइन्स हैं और उनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं सारे लोग कनेक्ट हो जाए बेटा जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक आपको टेरिडोफाइट्स का ठीक है आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि पेज नंबर थ्री सिक्स से देखिए बेटा यहाँ पर आपको पेज नंबर कितने पेज से और आपको यहाँ पर थर्टी सिक्स से थर्टी सेवन पेज आपके पेज नंबर है ये और टोटल लाइन से फोर्टी और आप इस बात को समझिए कि इन लाइन से क्वेश्चन एक जरूर बनता है ज़रूर बनता वेरी गुड इवनिंग बेटा फारम फातिमा वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग पूजा गुप्ता <coughs> मुस्कान कौर वेरी गुड इवनिंग बेटा जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं सारे लोगों को शेयर कर दें और सब लोग आपको आज देखना है टैडो फाइट्स के बारे में और टैडो फाइट्स में हम लोगों को क्या डील करना है चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके पास टैरडो फाइट्स में आपको ये एक आ, सबसे पहले आपको एक हेडिंग मिलती है टेडो फाइट्स में और टेडो फाइट्स में आपको क्या जानना है तो यहाँ पर देखिए कुछ लाइनों को मैंने क्या किया हुआ है ग्रीन कलर से हमने उन्हें बोल्ड किया हुआ है और आपको यहाँ पर इस लाइन से दो क्वेश्चन दिख रहे हैं एक 2020 में और फिर दूसरा भी 2020 में 2020 में आए हुए दो क्वेश्चंस और वो टेडो फाइट से हैं और टेडो फाइट क्या कहता है आपको तो हम आपसे कहें कि एम्फीबिया के बाद टेरिडोफाइट आए जैसे कि एनिमल्स की बात करी जाए तो फिश पानी में आए एम्फीबिया पानी और ज़मीन दोनों पर रहे टेरिडोफाइट आपके पास रेप्टाइल्स पानी से थोड़ा और दूर हुए आपके रेप्टाइल्स और मैमल्स आपके पास बर्ड्स और दूर हुए कहने का मतलब यह है कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो एल्गी पानी में है ब्रायोफाइट पानी में और ज़मीन पर है पहले ऐसे प्लांट जो ज़मीन पर आए और वो हैप्लॉयड हैं उसमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते तो वो आपके पास ब्रायोफाइट हैं लेकिन टेडोफाइट्स के लिए कहा जाए कि ऐसा प्लांट जो टेरिस्ट्रियल है और उस पर पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू दैट्स वाई टैडोफाइट्स को ये हम कहते हैं ट्रैक्योफाइटा याद आया कि नहीं फर्स्ट ट्रैकिफाइटा हमारे पास है टेडोफाइट और इसी को हम बॉटनिकल स्नेक भी कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे एवोल्यूशन बहुत अच्छे देखने को मिले हैं और वो है सीट को लेकर बहुत अच्छी बात तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर न्यू एन में पेज थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थर्टी वन थर्टी टू पर है कोई बात नहीं लेकिन टैडो इतना ही लिखा हुआ है इसमें से कोई भी टैडो का एक सिंगल पॉइंट भी कम नहीं किया गया है देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर मैं टैडो की बात करूं तो कुछ बातें आपको जाननी है कुछ बातें है इस वाले पेज पर हम बाद में आएंगे पहले हम टेरडो फाइट्स की कुछ बातें तुम्हें बताते हैं टेरडोफाइट्स में आपको सबसे पहले हमने आपसे कभी भी ये कहा होगा कि अगर आपको कोई भी ग्रुप पढ़ना है तो उसकी दो चार बातें याद रखनी पड़ेंगी कि पहले वो रहता कहाँ है उसका स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रहा है और न्यूट्रिशन क्या है और उसका हैबिटाट हमने कहा कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे करता है लाइफ साइकिल की बात तो टेडोफाइट्स में अभी हमें यही पता है कि अभी ये कूल डैम्प एरिया में सॉइल में रह रहा है और इसकी खास बात इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो सैंडी एरिया में रहते हैं सैंडी सॉइल में रहते हैं तो आपको सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि हैबिटेट को लेकर क्या जानना है तो हमने कहा कूल cool, डैम्प और शेडी प्लेसेस इसे भी चाहिए और उसके साथ साथ सैंडी सोइल में भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं जनरल इंट्रोडक्शन है टैडो के लिए दूसरी बात आपको ये जाननी चाहिए कि टैडो में कौन आता है टैडो में इंक्लूड्स होते हैं हमारे पास हॉर्स्टेल हॉर्फर्न हॉस्टेल एंड फर्न की बात करते हैं हॉस्टेल का एग्जाम्पल आपके पास क्या है इक्विसेटम है उसके अलावा आपको टैडोफाइट्स में क्या याद रखना है इस टैडोफाइट से मुझे क्या क्या प्राप्त होता है तो कहते हैं कि टैडोफाइट से मुझे मेडिसिनल प्लांट मिल जाते हैं हमें मेडिसिनल प्लांट मिल जाते हैं यहाँ से यहाँ से मुझे ऑर्नामेंटल प्लांट मिल जाते हैं ऑर्नामेंटल सजावटी प्लांट मिल जाते हैं बेटा याद आया कि नहीं आपको मेडिसिनल प्लांट मिल जाएगा ऑर्नामेंटल प्लांट मिल जाएगा और पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स पाए गए थे अब अगर ट्रू रूट पाए जा रहे हैं तो ये जो सॉइल को जोड़ कर रखेंगे इसी वजह से इन्हें हम सोइल भी कहते हैं हमने कहा टेरडोफाइट्स को हम कह सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट डिप्लॉयड लैंड प्लांट इसे हम क्या कहते हैं फर्स्ट डिप्लॉयड लैंड प्लांट जिसमें पाए जाते हैं फर्ज इज वेस्कुलर टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के नाम पर इसमें पाए गए जाइलम और फ्लोयम इसी वजह से हम इसे कहते हैं फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा में तो वैसे टेडोफाइट भी आता है जिम्नोस्पम भी आता है और एंजियोस्पम भी आता है लेकिन पहली बार आपको देखने को मिले थे जाइलम और जाइलम और फ्लोयम मतलब वैस्कुलर टिश्यू वो ग्रुप है आपके पास टेडोफाइटा इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट डिप्लॉयड लैंड प्लांट बोली जाए तो आपका पास टेडोफाइट होगा फर्स्ट लैंड प्लांट बोला जाए तो जवाब होगा ब्रायोफाइटा याद आया कि नहीं तो आपको ये बात पहले समझ आनी चाहिए इतनी बात समझने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्ट्रक्चर वाइज क्या समझ आना चाहिए तो देखो स्ट्रक्चर वाइज बात में हम समझे लेकिन उससे पहले टेडोफाइट्स में कौन कौन आ रहा है टेल आ रहे हैं, फर आ रहे हैं टेडोफाइट्स यूज किस काम में आ सकते हैं मेडिसिनल पर्पस है सॉइल बाइंडर्स है और फ्रिक्वेंटली ग्रो करते हैं एज अ ऑर्नामेंटल इवोल्यूशनरी बात करी जाए तो वही लाइन है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टूप वेस्कुलर टिश्यू उसके नाम पर और फ्लोयम जाइलम जाप और जाइलम जाप और जल का कंडक्शन करेगा फाफ और फ्लोयम फाफ और फूड का कंडक्शन करेगा कहने का मतलब जाइलम और फ्लोयम वैस्कुलर टिश्यू आपके पास सबसे पहले टेडोफाइट में देखने को मिले और कह रहे हैं इसकी डिटेल हम चैप्टर सिक्स में देखते हैं एनाटॉमी में लेकिन यहाँ की बात नहीं टेडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस और सम ऑफ मे फ्लोरिस एंड सैंडी सोयल कंडीशन इतनी बात मैंने आपको बताई फिर आपसे कहा जाए कि भाई टैडो के और क्या खास फीचर्स हैं तो खास फीचर्स में टैडो में हम स्ट्रक्चर के बेस पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर के बेस पर अगर मैं आपसे कहूं तो आपको चार चेंजेस देखने को मिलेंगे कितने चेंज चार बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक एक बार इन्हें देख जरूर लो है ना और सबको ये शेयर कर दो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है अगर मैं कहूं कि फर्स्ट डिप्लॉइड प्लांट है प्लांट होता है हमारे पास और इस प्लांट की अगर मैं तुमसे बात करूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ट्रू रूट ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ यहां पर देखने को मिलेगा और फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम इसमें देखने को मिलेंगे वेस्कुलर टिश्यू अभी बताया मैंने दूसरी बात आपको क्या जाननी इसके लीफ को लेकर अगर मैं बात करूं तो लीफ यहां पर दो तरह की होती है छोटे तरह छोटी साइज की लीफ नाम है उसका माइक्रोस्पोरोफिल है ना माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल ना बोलकर इसे सिंपली बोलिए माइक्रोफिल जो आपके पास छोटी साइज की लीफ है और वो देखने को मिलती हैं बड़े से एग्जाम्पल में नाम है उसमें स्लेजिनेला स्लेजिनेला बड़ा सा एग्जाम्पल है लेकिन छोटी लीफ है लेकिन मैक्रोफिल्स बड़ी लीफ आपको छोटे से एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेंगी और इसका एग्जाम्पल है फर्न समझ पाए लीफ को लेकर दूसरी बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफाइट कहते हैं सर ये स्पोर कौन बना रहा है जाइगोड से स्पोर बन रहे थे इन द केस ऑफ एलगी ब्रायोफाइट में ये स्पोर बनने का काम कैप्सूल में हो रहा था जहां पर स्पोर मदर सेल थी लेकिन यहां पर ये स्पोर बनते स्पोरेंजिया में और ऐसी लीव जिसमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उस लीव को हम कहते हैं स्पोरोफिल क्या होता है तो हमने कहा लीव जिस पर सब्सटेंडेड हो स्पोरेंजिया सर स्पोरेंजिया क्या होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल जिसमें म्योसिस से स्पोर बनते हैं अगर मैं कहूं स्पोरोफिल बराबर लीफ प्लस स्पोरेंजिया और क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया ये बात सीखनी पड़ेगी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया या फिर स्पोरोफिल क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया या स्पोलोफिल को हम कहते हैं से या फिर स्ट्रोबिलाई याद आया कि नहीं और कौनस और स्ट्रोबिलाई आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास इक्विसेटम इक्विसेटम एंड सिलेजनेला ये बात आपको याद होनी चाहिए ठीक इतनी बात आपको बेसिक बातें याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लेकिन अब मैं आपसे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ये बात करते हैं आपसे कि आपको ये बताना है कि टेरिडोफाइट कितने तरह के होते हैं तो टेरिडोफाइट की जब मैं बात करूं तो ये टेरिडोफाइट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं तो ये किस बेहाफ पर बटे हैं तो कहा गया कि टेरडोफाइट्स ने एक बहुत शानदार रिवोल्यूशन किया कि उन्होंने कहा कि हमें अभी भी वॉटर पर डिपेंडेंसी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें अभी भी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज की कमी है हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हम एक ही लोकेलिटी में ज़्यादा पाए जा रहे हैं पानी के आसपास शेडी लोकेलिटी में हमें क्या करना चाहिए अपना डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ाना चाहिए टेरडोफाइट्स की मीटिंग होती है और उसमें कहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ाना चाहिए और उसमें हमें सीड बनाने की तरफ जाना चाहिए तो बहुत सारे टेडोफाइट ने कहा कि सीड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए तो उसने कहा दो तरह के स्पोरेंजिया चाहिए कि जिसमें अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्पोरेंजिया छोटा स्पोर बनाएगा एक स्पोरेंजिया बड़ा स्पोर बनाएगा बड़े स्पोरेंजिया से फीमेल गैमिटोफाइट बनाएंगे और उसे प्लांट पर ही रिटेन कर लेंगे प्लांट पर ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे प्लांट पर ही एम्ब्रियो बनाएंगे फूड रखेंगे हार्ड सीड कोट कर देंगे सीड बन जाएगा और सीड में जो एम्ब्रियो है रेस्टिंग कंडीशन में होगा और फिर उसे डिस्पर्स कर देंगे और यहां पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और जहां पर उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो अपना नया प्लांट बना लेगा प्लांट सबको बात अच्छी लगी लेकिन यहाँ पर बात थी एनर्जी कि भाई आपको इतनी ज्यादा सारी चीजें कोई करने को तुरंत तैयार नहीं हुआ तो कहा गया कि टेडोफाइट्स इस सीड बनाने की हैबिट्स की तरफ सारे टैडोफाइट्स में मैक्सिमम टेडोफाइट्स कह रहे कि हम भैया सीड नहीं बना सकते तो कहने का मतलब इनको ऐसे टेडोफाइट जिसमें एक ही साइज के एक ही साइज के पाए जा रहे थे स्पोरेंजिया जिसमें बने एक ही टाइप के स्पोर सेम टाइप के उन्हें बोला होमोस्पोरस टेडोफाइट है ना और एक हो गए कि डिफरेंट टाइप के स्पोरेंजिया जिसे हमने कहा हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट तो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट ज्यादा थे या कम थे तो कहने का मतलब ये कम थे लेकिन मोस्टली कैसे थे होमोस्पोरस टेडोफाइट होमोस्पोरस टेडोफाइट समझ पाए और हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट में एग्जाम्पल क्या था जैसे कि दो एग्जाम्पल याद रखना एक साल्विनिया और दूसरा सिलेजिनेला समझ पाए कि नहीं तो देखो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट ने क्या कहा था कहा था कि भाई मुझे सीड बनाने के लिए चार रिक्वायरमेंट है पहली दो तरह के स्पोरेंजिया चाहिए जिसमें दो तरह के बड़े और छोटे स्पोर बनेंगे बड़े स्पोर से फीमेल गैमिटोफाइट बनाएंगे उसे प्लांट पर ही रिटेन कराएंगे वहीं पर प्लांट पर ही फर्टिलाइजेशन कराएंगे प्लांट पर ही आपका जयगोड बनाएंगे एम्ब्रियो बनाएंगे एम्ब्रियो को रेस्टिंग कंडीशन में डालेंगे और उसके लिए खाना रखेंगे एंडोस्पम्प हार्ड सीड कोट बनाएंगे सीड बना लेंगे ये सारी तैयारियां करें तो हमने कहा कि हेट्रोस्पोरस ने चार रिक्वायरमेंट बोली थी चार रिक्वायरमेंट थी उनकी किस बात को लेकर सीड को सीड के फॉर्मेशन को लेकर पहली रिक्वायरमेंट क्या थी पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई डिफरेंट स्पोर मतलब हेट्रोस्पोर हेट्रोस्पोर वाली कंडीशन और जिसमें मेगा स्पोर मतलब बड़ा वाला स्पोर जो है वो बनाएगा फीमेल गैमिटो फाइट और फीमेल गैमिटो फाइट को क्या करा लिया जाएगा रिटेन फिर तीसरी बात हमें चाहिए हार्ड सीट कोट क्या चाहिए हार्ड सीट कोट चाहिए और चौथी बात मुझे चाहिए एम्ब्रियो कैसी कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन में हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट भी आपके पास हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी बना ली उसके अलावा उन्होंने मेगा स्पोर भी जो बड़ा वाला स्पोर था उससे फीमेल गैमिडोफाइट भी बनाया रिटेन भी करा लिया फर्टिलाइजेशन भी करा लिया एम्ब्रियो भी बनवा लिया बट प्रॉब्लम यह हुई कि हार्ड सीट कोड नहीं बना पाए जिससे एम्ब्रियो रेस्टिंग कंडीशन में नहीं गया और बनी बनाई मेहनत खराब हो गई हमने कहा इन्होंने सीड बनाने की तरफ कदम तो बढ़ाया लेकिन सीड बना नहीं पाए इसी को हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड प्रिकर्सर ऑफ सीड टेरिडोफाइट ये बात आपको समझ आनी चाहिए समझ आया कि नहीं बेटा बोलो हैट्रोस्पोरस टाइडोफाइड्स जो कि आपके प्रिकर्सर ऑफ सीड की बात करेंगे चलिए आओ देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है एनसीईआरटी में आपके पास क्या लिखा हुआ है जल्दी से देख लें एनसीईआरटी में आपके देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए यू में रिकॉल आपके पास यहाँ प्रायोफाइट जो है डोमिनेंट फेज आपके पास ये बात वो कर रहा है कि जिसमें आपके पास जो ब्रायोफाइट है वो गैमिटोफाइट है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है लेकिन टेडोफाइट तो स्पोरोफाइट इस इसका इंडिपेंडेंट है और गैमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है लेकिन फीमेल गैमिटोफाइट को रिटेन कराया गया है बॉडी पर और वो भी हेट्रोस्पोरस टैडोफाइट्स में तो कहा जाता है कि हावेवर इन टैडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विज डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम और लीव दीज ऑर्गन पर्स इज वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू और यहाँ पर लिखा है लीव्स इन टैडोफाइट आर स्मॉल स्मॉल लीव को माइक्रोफिल किसमें देखने को मिला स्लेजनेला में लार्ज लीव को मैक्रोफिल्स किसमें देखने को मिला फर्न में और स्पोरोफाइट बियर करें अगर स्पोरेंजिया को तो हमने कहा कि वो होते हैं इस, इस वो लीव के नीचे की तरफ और ऐसे -like को हमने स्पोरोफिल बोला और लगा गया है कि स्पोरोफिल में डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नाम है स्ट्रोबिलाई या कोस और ये देखने को मिले सिलेजिनेला और इक्विसिटम में और ये 2020 में क्वेश्चन आया कहा गया है कि भैया प्ला को दो पार्टों में बांटा है होमोस्पोरस टेडोफाइट्स और हेट्रोस्पोरस टैडोफाइट्स में ठीक है तो होमोस्पोरस और टे, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बटा है ज्यादातर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स थे तो देखो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में बात तुमसे करी जाए तो इसमें एक बात को समझना आप आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की तुमसे बात करें तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में कैसे हुआ तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या खेल था समझो क्या खेल था देखो <perfektionic> जैसे हमने आपसे कहा मेन प्लांट बॉडी में ले लूं और मेन प्लांट बॉडी जो है वो हमने माना मेन प्लांट बॉडी कैसी है स्पोरोफिटिक है स्पोरोफिटिक है तो बताओ कैसी होगी 2n या एन तो हमने कहा स्पोरोफिटिक है तो 2n होगी और मेन प्लांट बॉडी पर क्या पाए जाएंगे स्पोरोफिल हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं होमोस्पोरस की मैक्सिमम आपके टेरिडोफाइट ऐसे ही हिस्पोरोफिल के पास क्या हिस्पोरोफिल के पास पाए जाते हैं स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के पास होंगे स्पोर मदर सेल और स्पोर मदर सेल में क्या होगी मियोसिस और मियोसिस होने के बाद वो क्या बनाएगा स्पोर जो बनाएगा आपके पास स्पोर अब ये स्पोर की जब मैं बात करूं तो स्पोर कैसे हैं एप्लॉड क्योंकि किससे बन रहे हैं मियोसिस ठीक बेटा बोलो बच्चा कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम बेटा नेटवर्क इशू है क्या बेटा नेटवर्क इशू है बेटा आप वीडियो चल रहा है कोई बात नहीं थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिश था कोई दिक्कत नहीं बेटा गुड वेरी गुड चलिए देखिए क्या कहने वाला हूं थैंक यू देखिए जल्दी से देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैं ये आपसे कह रहा हूं होमोस्पोरफाइट्स में क्या मेन प्लांट बॉडी आपके पास स्पोरो बॉडी स्पोरोफिल पाया जाएगा उसमें टू होगा स्पोरोफिल के पास स्पोरेंजिया टू होंगे स्पोर मदर सेल क्या होगा टू होगा और इसमें मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा अब स्पोर में अगर होगी माइटोसिस तो बनेगा गैमिटोफाइट क्या बनेगा बेटा हमने कहा ये हमने कहा ये गैमिटोफाइट बन गया है ये गैमिटोफाइट अब इसी गैमिटोफाइट को मैं क्या कहता हूं इसी को बोलता हूं प्रोथैलस क्या बोलता है बेटा गैमिटोफाइट इसी गैमिटोफाइट को क्या बोल रहे हैं प्रोथैलस और इसी पर पाया जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम पर आपके पास यहां पर पाया जाएगा आर्किगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन के नाम पर इसी में पाया जाएगा एंथ्रीडिया तो इस गैमिटोफाइट की कुछ फीचर बताने तो उस फीचर में अगर मैं तुमसे नाम लू तो बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि यह गैमिटोफाइट बताओ मोनोइसियस होगा या डायोसियस ये बताइए तो हमने कहा ये मोनोइसियस होगा कैसा होगा क्योंकि इसके पास मेल और फीमेल जो सेक्स है एक ही के पास है मतलब ये कैसा होगा बाइसेक्सुअल तो बाई या मोनोइसियस गैमेटोफाइट जिसे हम प्रोथैलस बोल रहे हैं वो होमोस्पोरसटेडोफाइट में होगा बताओ हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा भैया आपके पास स्पोर के माइटोसिस से बना है स्पोर है, है तो यह भी होगा तीसरी बात यूनिसेलर होता है या मल्टी सेलौर? बेटा मल्टी होता है कैसा होता है लार्ज होता है या स्मॉल होता है स्मॉल होता है और एनसीआरटी ने टर्म लिखा हुआ है इनकॉन्पीक्वस होता है छोटा सा होता है आपके पास स्मॉल है पांचवी बात अगर मैं तुमसे यहीं पर कहूं कि बताओ ग्रीन होता है तो बिल्कुल होता है अपना खाना खुद बना सकता है बिल्कुल बना सकता है और 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 इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगा तो आपको टैडोफाइट्स में स्पोरोफाइट भी डिपेंडेंट है और गैमिटोफाइट भी बेटा डिपेंडेंट ही सॉरी इंडिपेंडेंट है मतलब स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट और गैमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट लेकिन किसमें होमोस्पोरस टैडोफाइट्स में, होमो में याद रखना बेटा और आपके पास गैमिटोफाइट अब देखो ये बनाएगा आपके पास एंथ्रजाइट्स और इस पर होगा एक्सल यहां पर जब आएगा तो होगा फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा जाइगोड़ जाइगोड़ कितने एन होगा टू एन और इसमें जब होगा डेवलपमेंट तो क्या बनेगा बनेगा आपके पास मेन प्लांट बॉडी ये होमोस्पोरस टेडोफाइट्स में है बेटा होमोस्पोरस टेडोफाइट्स को हम गैमिटोफाइट को प्रोथेलस बोलते हैं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोथेलस बताओ हैप्लॉइड होता है, है होता है यूनिसेलर या मल्टी मल्टीसेलर होता है लार्ज होता है स्मॉल होता है स्मॉल होता है कॉन्सपीक्स होता है या इनकॉन्सिक्वस होता है इनकॉन्स होता है और इंपॉर्टेंट मोनोइसियस होता है bisexual होता है लेकिन इन द केस ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट अब देखो यहीं पर इसके बाद हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट की कहानी समझ लो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट में क्या कहा गया था कहा था कि मुझे दो तरह के स्पोरेंजिया चाहिए एक बड़ा इस्पोरेंजिया एक छोटा इस्पोरेंजिया तो हमने कहा चलो मेन प्लांट बॉडी हम लेकर चल रहे हैं और मेन प्लांट बॉडी कैसी है स्पोरोफिटिक बॉडी है हम टूएल लेकर चल रहे हैं इसके पास दो तरह के स्पोरेंजिया होंगे मतलब इसका मतलब इसके पास दो तरह के स्पोरोफेल होंगे माइक्रोस्पोरोफेल और आपके पास छोटा स्पोरोफेल और बड़ी छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां मैक्रोस्पोरोफिल याद रखना अब देखो यहां पर बात तुमसे कहने वाला हूं इसके अंदर छोटा स्पोरेंजिया कैसा स्पोरेंजिया छोटा जिसे हम क्या कह रहे हैं स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया लिख दे रहे हैं चलो देखो स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया और स्मॉल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सा माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद क्या बनेगा माइक्रोस्पोर मतलब छोटा स्पोर स्पोर और छोटे स्पोर की के बाद बनी है एन होगी और जब इसमें माइटोसिस होगी तो माइटोसिस होने के बाद जो गैमिटोफाइट बनेगा बेटा वो मेल गैमिटोफाइट बनेगा इसका मतलब इसका गैमिटोफाइट मोनोइसियस नहीं होगा डायोसियस होगा और इस पर एंथ्रीडिया पाया जा रहा है जबकि माइक्रो मेगा स्पोरोसेल या फिर मैक्रोस्पोरोल के बाद पाया जाएगा लार्ज माइक्रोस्पोरेंजिया लार्ज मैक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा इसके अंदर पाए जाएंगे मैक्रोस्पोर सेल, मतलब बड़ी स्पोर मदर सेल, और इसमें क्या होगा इसमें होगा मियोसिस क्या होगा बेटा मियोसिस होगा और बनेगा मैक्रोस्पोर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं जब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैक्रोस्पोरोफिल की बात करी जाए तो यह पत्ती है और इस पर बड़े का साइज का स्पोर है यहीं पर बना है बड़ा सा स्पोर जिसका नाम है मैक्रोस्पोर ये यहीं पर प्लांट पर ही रहा है और इसने माइटोसिस करके बनाया है गैमिटोफाइट वो भी कैसा फीमेल गैमिटोफाइट तो कह रहे हैं कि स्पोर करेगा माइटोसिस और माइटोसिस करके क्या बनाएगा फीमेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट जो बना है वो स्पोरोफिल पर ही है इसका मतलब इस पर अब देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोड बनेगा कहाँ पर प्लांट के ऊपर ही मतलब फीमेल गैमिटोफाइट को रिटेन करा लिया है इ भी फीमेल पर बनेगा एम्ब्रियो भी फीमेल पर बनेगा लेकिन बच्चा इसे करना चाहिए था हार्ड सीट कोड जिससे जो एम्ब्रियो है वो बाहर ना आए बस वही नहीं कर पाया जिससे एम्ब्रियो कहाँ आ गया बाहर और एम्ब्रियो के बाहर आने से वो न्यू प्लांट तुरंत बना लिया लेकिन हमें चाहिए था रेस्टिंग कंडीशन में कहने की बात हेट्रोस्पोरस कंडीशन की मांग की बनी फीमेल गैमिटोफाइट को रिटेन कराने की मांग थी हुआ फर्टिलाइजेशन प्लांट पर ही बात की गई हुआ एम्ब्रियो भी बना लेकिन एम्ब्रियो को रेस्टिंग कंडीशन पर नहीं जा पाए क्योंकि उसमें हार्ड सीड कोट नहीं बना पाए जिससे एम्ब्रियो रेस्टिंग कंडीशन में नहीं गया सीड नहीं बन पाया कहने का मतलब इन्होंने सीड बनाने की तरफ मेहनत करी लेकिन सीड बन नहीं पाया प्रिकर्सर ऑफ सीड हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जिसमें इनडपेंडेंट है स्पोरोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट गैमिटोफाइट है है डिपेंडेंट जबकि मेल आल्सो स्पोरोपेंडेंट कहने का मतलब यह है कि इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ होमोस्पोरस टेडोफाइट उसका गैमिटोफाइट तो मोनोइसियस मतलब बाई था लेकिन इन द केस ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरडोफाइट इसका गैमिटोफाइट मोनोइसियस ना होकर डायोसियस है मेल गैमिटोफाइट माइक्रोस्पोर ने बनाया है जो कि इंडिपेंडेंट है और फीमेल गैमिटोफाइट को रिटेन करा लिया गया है पर क्या आपको बात समझ आती है कि नहीं बोलो बेटा आपको इतनी बात आपको समझ आती है यस और नो वीडियो लैग कर रहा है बेटा जल्दी से बताएं वीडियो क्या लैग कर रहा है जल्दी से बताएं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच हरम फातिमा आपको मेरी बात समझ आ रही है और बहुत अच्छी बात तो चलिए तो आपको यहाँ पर मैं आपसे यही कहने वाला हूं कि एनसीआर में क्या लिखा है चलो जल्दी से देख लेते हैं और एनसीआर के पॉइंट्स पर आते हैं देखो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री लिविंग मोस्टली जो फोटो सिंथेटिकलॉइड गैमिटो है उसे कह रहे हैं प्रोथेलस क्या कह रहे हैं बेटा प्रोथेलस देखो कलर में बदलता हूं अब प्रोथेलस जो हमने कहा कि ये प्रोथेलस किसके रिस्पेक्ट में है होमोस्पोरस होमोस्पोरसाइडोफाइट अब याद रखना ये गैमिटोफाइट रिक्वायर करेगा कूल डैम शेडी प्लेसेस बिकॉज दीज स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट वॉटर फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए ही चाहिए और ये लिविंग टाइडोफाइट इज लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड न्यूरो जियोग्राफिकल एरिया रीजन में होंगे क्योंकि होमोस्पोरस टाइडोफाइट है लिखा हुआ था गैमिटोफाइट बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया रेस्पेक्टिवली इसका मतलब आपके पास ये एक ही प्लांट पर है मतलब एक ही गैबिटोफाइट पर है होमोस्पोरस में वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया और माउथ ऑफ ऑर्कीगोनिया फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का और यहां पर आर्कीगोनियम रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोटोट आर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोट और डॉमिनेट फेज हो जाएगी टाइडोफाइट की स्पोरफाइट मेजोरिटी ऑफ टाइडोफर सिमिलर का लिखा है सारे ज्यादातर मेजोरिटी में आपके पास कैसे सिमिलर काइंड के हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस इन प्लांट्स को क्या कह रहे हैं होमोस्पोरस लेकिन स्लैजनेला और सालवीनिया याद रखिए दो हजार ग्यारह में भी क्वेश्चन आया दो हजार इक्कीस में भी Slovenia और करेगा दो दो तरह के स्पोर, मैक्रो मतलब लार्ज मैक्रो मतलब बताइए, बताइए, बताइए होगी फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा माइक्रोस्पोर माइटोसिस होगी मेल गमिटोफाइट बनाएगा मेल गमिटोफाइट तो इंडिपेंडेंट होगा लेकिन फीमेल गैमिटोफाइट को रिटेन करा लिया जाएगा स्पोरोफाइट पर याद आया और यही आपके पास प्रिकर्सर है सीड हैबिट का फीमेल गैमेटोफाइट को प्लांट पर ही रिटेन करा लेना वहीं पर फर्टिलाइजेशन वहीं पर जाइगोट वहीं पर एम्ब्रियो लेकिन एम्ब्रियो को रेस्टिंग कंडीशन पर नहीं ले जा पाए क्योंकि हार्ड सीड कोट नहीं बना पाए इन चारों कंडीशंस को फॉलो कर लिया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने तो फर्स्ट सीडेड प्लांट आपके पास है जिम्नोस्पर्म और फर्स्ट क्लोज सीड मतलब फ्रूट बॉल या ओवरी बॉल के अंदर वाले आपके प्लांट्स जो हैं वो हैं एनजीओ स्पर्म समझे बात को तो आपके पास लिखा हुआ है कि भाई ऐसे को हमने हेट्रोस्पोरस बोला है द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल कैमिटोफाइट अलग देखो फीमेल अलग मेल अलग मतलब डायोसियस कंडीशन लेकिन कंडीशन होमोस्पोरस होमोस्पोरसो में थी फिर लिखा रेस्पेक्टिवली द फीमेल इन दीज प्लांट रिटेन ऑन दी पेरेंट स्पोरोफाइट देखो लिखा हुआ है कि नहीं यहां पर रिटेन करा लिया गया है और वो भी वेरिएबल पीरियड के लिए प्लांट टू प्लांट वेरी कर रहा है द डेवलपमेंट ऑफ जाइोट इन टू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट ये इवेंट आपके पास कहलाता है जवाब दीजिए तो सारे टाइडोफाइट में याट्रोस्पोरस टाइडोफाइट में? में, या में तो जवाब आता है में. और कंसिडर्ड इसे कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन समझ पाए कि नहीं टैडोबाइड्स की चार क्लासेस कैसे भूल सकते हो साइलोपसिडा साइलोटम लाइकोपसिडा लाइकोपोडियम और स्लेजनेला और स्पिन इक्विसिटम इक्विसेटम और टेरोपसिडा टेरिस ड्रायोप्टेरिस एजोला साल्विनिया ऑफियोगलॉसम याद आया तो आपके पास ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं।, हैं पहली क्लास पहली क्लास का नाम है साइलोप्सिडा उसका एग्जाम्पल साइलोटम दूसरा एग्जाम्पल आपके पास लाइकोप्सिडा जिसके एग्जाम्पल स्लेजनेला और लाइकोपोडियम तीसरी क्लास स्पिन नाम है उसका एग्जाम्पल का इक्वी और चौथी क्लास का नाम है टेरोपसिडा जिसमें एग्जाम्पल है टेरिस ड्रायोप टेरिस एडियंटम ऑफियोग्लोसम आपके पास अजोला और साल्विनिया अजोला को भूल सकते हो क्या अजोला माइक्रोस वाले प्लांट में लिखा हुआ है कि साइनोबैक्टीरिया के साथ इसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है और पर्डी में एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करता है याद आया कि नहीं तो याद आना चाहिए तो अगर मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि आपको यहां पर अब क्वेश्चन क्या मिलेंगे देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन देख लो हेट्रोस्पोर टेडोफाइट्स के एग्जाम्पल पूछे गए 2021 में आपको यहाँ पर 2011 और 2021 में पूछा गया है आपको सीड पर क्वेश्चन पूछा गया दो में और दो में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और देखिए आपको इक्विस टर्म का एग्जाम्पल पूछा गया कौन सी क्लास का है 2018 में और एडियन टर्म पूछा गया कौन सी क्लास का मेंबर है तो 2012 में एक सिंगल पेज भाई साहब इतना इम्पोर्टेंट कि जिसमें बिना इसके पेपर बन ही नहीं रहा है एक ना एक क्वेश्चन जरूर टैडोफाइट से मिलता है समझ पाए तो चलो हम पूरे एक बार समरी देखते हैं कि इसमें आपको क्या देखने को मिला जल्दी से एक बार रिकॉल करिए रिकॉल की जब मैं बात करूंगा की बात करें तो कूल शेडी डैम प्लेस चाहिए सैंडी सॉइल में भी हो जाते हैं हमने कहा फर्स्ट डिप्लॉइड लैंड प्लांट है जिसपे वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं इसी वजह से इसे फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा कहते हैं छोटी लीव माइक्रोफेल्स बड़ी लीव्स माइक्रोफेल्स फर्न हमने कहा इसके अलावा ट्रू रूट स्टेम पाए जाते हैं ट्रू रूट के पाए जाने की वजह से ये सॉइल को बाइंड करते हैं सॉइल बाइंडर्स कहलाते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स से यहीं से मिलते हैं और कहा गया स्पोरोफाइट स्पोरोफिल स्पोरेंजिया क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया जिसे हम से या फिर स्ट्रोबेलाई कहते हैं कौन से स्ट्रोबेलाई आपको देखने को इक्यूसिटम और स्लैजिनेला में मिलते हैं हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट का एग्जाम्पल साल्वेनिया और स्लैजिनेला है आपको याद होना चाहिए कि होमोस्पोरस टेडोफाइट का जो प्रोथैलस है उसमें मोनोइसियस कंडीशन है वो आपके पास बाइसेक्सुअल है एप्लॉयड है मल्टी है स्मॉल है इनकॉन्सपीक्स है इन याद आया और इसके अलावा हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट्स में फीमेल कैमिटोफाइट को रिटेन करा लिया गया स्पोरोफाइट पर यही स्टेप एवोल्यूशन का है और इसी को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सी डेबिट चार क्लासेस और चार क्लासेस में आपके पास साइलोप्सिडा साइनोटम स्पिन ऑफ सिडा इक्विसेटम टेरोपसिडा टेरिस डायोप्टेरिस एडियंटम योर ग्लॉसम और एक क्लास लाइकऑपीडा लाइकोपोडियम और याद तो नहीं हुआ याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ जल्दी से याद हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताइए सारा पूरा टैडोफाइड एक साइज एक तरह से सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है बता दो वेरी गुड वेरी गुड बेटा याद हो गया है तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं और पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखिए नीट दो हजार ते, तेरह तेईस का क्वेश्चन है वो भाई साहब इसी साल आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ आइडेंटिफाई देयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट नहीं बता सकते हो क्या हैट्रोस्पोरस टेडोफाइट आंसर मत देखो पहले लिखो साल्विनिया और सिलेजिनेला साल्विनिया और सिलेजिनेला इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट साइलोटम साल्विनिया नहीं इक्विसेटम और साल्विनिया नहीं लाइकोपोडियम नहीं आंसर होगा फोर्थ। जल्दी से लगाओ आगे बढ़ो वेरी गुड अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बताओ देखो लिखा हुआ स्ट्रोबलाई या कॉन्स आर इन। आपके पास नीट 2020 का क्वेश्चन स्ट्रोबलाई या कॉन्स पाए जाते हैं अभी हमने कहा एग्जाम्पल के नाम पर है इक्विसेटम और सिलेजिनेला इक्विसेटम और सिलेजिलेना में आपको देखने को मिलेंगे साल्वेनिया नहीं टेरेस नहीं मार्केशिया नहीं आंसर होगा इक्वी डी वाला आंसर लगाइए तुरंत आपको आंसर मिलेगा समझ पाएंगे नहीं बेटा बोलिए ना यार अगला क्वेश्चन कराए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताना मुझे ये लो अगला क्वेश्चन है आपके पास फिर से 2016 का क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया नहीं बढ़ा है हमने कहा अभी भी इसे प्लांट पर वाटर पर डिपेंडेंसी है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के ट्रांसफर में हेंथ्रोजॉइड पानी से बहकर जाएंगे इसका मतलब ये बात वाटर पर वर्ड्स पर डिपेंडेंसी नहीं विंड्स पर नहीं इंसेक्ट्स पर नहीं जब बताइए क्या होगा होगा इन्होंने कहा किसी बॉर्डर पे से तो डिपेंडेंसी कम करनी है तभी तो सीट बनाने की तरफ गए थे हालांकि बेचारे सीट बना नहीं पाए लेकिन आगे वाले प्लांट्स के लिए अच्छा सबक तो मिला इसी वजह से जिम्नोस्पम ने और एन ने सीट बनाए और एनजीओ ने तो बेहतरीन फ्रूट के अंदर सीड रखा है जिसमें फ्रूट को माध्यम बनाया है सीड के डिस्पर्सल का कि भाई ह्यूमन जो है या कोई अदर एनिमल उस सीड को खा उस फ्रूट को खाएगा और सीड को कहीं पर भी फेंक देगा डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया बढ़ जाएगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारा प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखो लिखा हुआ है नीट दो का क्वेश्चन लिखा हुआ है जेनरा स्लेजिनेला और साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर सच प्लांट इज नोन एज अरे भैया दो तरह के स्पोर इस बताओ इसे क्या बोलोगे हेट्रोस्पोरस समझ आया कि नहीं इसी को हम क्या बोलते हैं हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस नहीं हेट्रोसोरोस नहीं होमोसोरोस नहीं हेट्रोस्पोरस जवाब होगा तुरंत देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुरंत आपको आंसर आएगा आप बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कायदे से पढ़िए नीट में सिलेक्शन जरूर होगा आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए नीट 2011 का क्वेश्चन है ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए स्लेजिनेला और साल्वेनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज आप बताइए सीड हैबिट का मतलब प्रिकर्सर हम कैसे बोलते हैं

फीमेल कैमिटोफाइट लैक आर्किगोनिया बिल्कुल नहीं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा मेगा स्पोर पर्जेज एंडोस्पम एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाई कोट नहीं एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल कैमिटोफाइट विच इज रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट बिल्कुल सही जवाब आंसर क्या आएगा बेटा आंसर बोलो क्या आएगा बेटा आंसर आएगा डी समझ में तो नहीं आया बेटा बताओ समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताइए सारे लोग और यही हमारे पास आग्री क्वेश्चन था ये था हमारा हॉटस्पॉट जिसमें नाम हमने लिया टेडोफाइट्स का टेडोफाइट्स में आपको माइक्रोफिल मैक्रोफिल और कौन से स्ट्रोबिलाई होमोस्पोरस हेक्ट्रोस्पोरस और चार क्लासेस यही याद रखना है और आपको इस पेज से इस वाले हॉटस्पॉट से जरूर क्वेश्चन मिलेगा और अगर मिला तो क्वेश्चन तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ जल्दी से बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे थैंक यू सो मच नीट पूजा गुप्ता थैंक यू सो मच सुबी थैंक यू सो मच अविनाश कुमार थैंक यू सो मच और क्वेश्चन करवाओ हमें हाँ हमारे पास क्वेश्चन खत्म हो गए हम आपसे कहेंगे भैया जो भी आपके पास रिसेंटली जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने लिए वरना आपको जब भी कोई रैपिड फायर होगा होंगे। और पर तुम्हें लगता है क्वेश्चन की कमी है हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब तक आपके पास नीड नहीं हो जाता तब से तक कम से कम कम से कम बीस से तीस हजार क्वेश्चन आपको दे देते समझ तो पाए कि नहीं चलिए थैंक यू सो मच आज का हॉटस्पॉट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा अगर कोई कमी है तो उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा जरूर बताइए और अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू सो मच गुड नाइट अपना खूब सारा ख्याल रखिए और यूं ही पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच